चंडीगढ़ में स्ट्रीट डॉग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या पर काबू पाने के लिए नगर निगम की ओर से एक कदम उठाया गया। इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से शनिवार को दो और गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। डॉग कैचर्स की गाड़ियां हैं जो चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टरों में गाँव में जाकर स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ेंगी और उसके बाद उन डॉग्स की स्टरलाइजेशन की जाएगी। मेयर अनूप गुप्ता ने बताया कि यह गाड़ियां चंडीगढ़ में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए चलाई जा रही हैं। 25 लाख रुपए की लागत से ये दो गाड़ियां खरीदी गई हैं। इसके अलावा रायपुर कला में भी डॉग पैड शुरू होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शहर में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी जो पिछले कई महीनों से आप देख रहे थे कि डॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने अपनी तरफ से एक दो गाड़ियाँ और ऐड करके, पहले भी दो गाड़ियाँ हैं, तो अभी उसका शेड्यूल जारी होगा कि हर सेक्टर वाइज कैसे कैसे जाएंगी सर। पूरे चंडीगढ़ में सेक्टर वाइज वार्ड वाइज निकलेंगी, पहले एक वार्ड करेगी, फिर दूसरा वार्ड, फिर तीसरा वार्ड, ऐसे करते करते ये दो गाड़ियाँ हमने 12.5 लाख रुपये कॉस्टिंग से एक गाड़ी 12.5 लाख की 25 लाख से दो गाड़ियाँ ली हैं। ऑलरेडी दो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मेरे को लगता है इससे थोड़ा सा बेहतर होगा और आने वाले दिनों में जब हमारी रायपुर कला में जो डॉग पॉन्ड है वो शुरू हो जाएगा तो हम और गाड़ियाँ लेकर तो इसको और हम विस्तार करेंगे। डॉग क्या ये वो उठाएगी जो स्ट्रीट डॉग है या फिर? नहीं, ये फीमेल डॉग उठाएगी स्टरलाइजेशन करने के लिए, उसके बाद उनको वहीं छोड़ेगी। हमारा है कि हर वार्ड वाइज हम फीमेल डॉग को स्टरलाइजेशन करें और जैसे जैसे पूरी होती रहे। तो जो लोग डॉग खरीदते हैं सर, मतलब उनका कोई लाइसेंस वगैरह बनता है? वो पॉलिसी है अलग है, ये तो जो स्ट्रीट के अंदर फीमेल डॉग्स हैं उनकी कैचिंग के लिए, पहले कि उनकी स्टरलाइजेशन के लिए और उनके बाद उसके लिए क्या सर, उनको करवा करके फिर वहीं पे छोड़ने? हाँ, वहीं पे छोड़ने के लिए। सर, ये जो आज पानी का रेट बढ़ा है उसके ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।